हे गाइस, वेलकम बैक टू द लैब. दिस इज योर होस्ट रॉबिन. तो काफी टाइम बाद हम वीडियो निकाल रहे हैं. इट्स बीन लाइक अ मंथ. सो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट डेड आइलैंड 2. तो आफ्टर अ डेकेड, 9 साल डेवलपमेंट रहने के बाद भी उन्होंने फाइनली रिलीज कर दिया डेड आइलैंड 2. अगर किसी को नहीं पता तो डेड आइलैंड इज ए कल्ट क्लासिक गेम. डेड आइलैंड 1 अराउंड 2011 के आसपास आई थी एंड इट वॉज रियली वेल रिसीव्ड बाय द फैंस. तो डेड आइलैंड 2 का ट्रेलर अराउंड 2014 में आ गया था एंड इट टुक रियली लॉन्ग टाइम गेट टू द रिलीज बिकॉज काफी सारे डिलेज आए और डेड आइलैंड ने काफी सारे स्टूडियोज भी बदले, काफी डेवलपमेंट इशू भी रहे डेड आइलैंड के टाइम. So let's see how the gameplay is. Starting off with the story. Story of Dead Island 2 is really really quirky. मैं ये बोलूँगा. Trying to evacuate from the island and तुम वहीं पे रुक जाते हो. Some side quests are there. Side quests उन्होंने ज़्यादा अच्छे से implement करी हैं. ये game काफी linear based है. Like you don't get to see open worldish game. मैं बोलूँगा. A semi open world. Is the, I think the right term because ये game काफी parts में बटी हुई है and the characters have storylines. I will say not that in depth that I imagined, but हाँ काफी अच्छी storyline है उनकी. Even making the side characters very relevant in the story. तो तुम्हें चार character में से एक character उठाना पड़ता है and you have to stick with it because पूरी game तुम वही character खेलोगे. So choose wisely. हर character के अपने अपने options हैं, अपने अपने skill sets हैं. But story is fun. Gameplay की बात करें तो हाँ, gameplay तुम कह सकते हो repetitive हो जाएगा because it's a zombie killing game. तो तुम ज़्यादातर weapons explore कर रहे होते हो, resources ढूंढ रहे होते हो. But मैं ये चीज़ बोलूँगा, there are plenty of resources out there. तुम्हें ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं पड़ता है. टॉकिंग अबाउट फाइटिंग मैकेनिक्स आर रियली रियली गुड है और उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी यूज करी है, द फ्लैश. इसकी फुल फॉर्म काफी लंबी है, आपको अभी ऑन स्क्रीन दिख रही होगी. तो उन्होंने फ्लैश यूज करा है. फ्लैश वर्क्स लाइक भी अगर तुम जिस हिसाब से उसको स्लैश करते हो जॉम्बी को, तो इट एक्यूरेटली कट्स द जॉम्बी. सो इट्स लाइक अ वेरी लाइफ लाइक दैट रियली मेक्स यू इमर्सिव इन द गेम. काफी इमर्सिव लगता है कटिंग द जॉम्बीज हियर एंड देयर एंड कूल वेपन्स बिल्ड करते हो एंड जस्ट go on a rampage. काफी अलग अलग टाइप के zombie types भी हैं देखने को मिलते हैं हमें इस game में. It's really fun, but I will say भी थोड़े time के लिए हाँ काफी मजा आ रहा होता है, but it's not a game भी तुम उस पे hook हो सकते हो. My personal opinion, I love to play this game time to time. मतलब कि खेलना पसंद है भी, हाँ कभी jump in करा, कभी jump out करा इस game से. To stress releaser के लिए use कर रहा हूँ इस game को because it's just fun to kill zombies and the game is really quite nice. If you want to experience again a zombie game, तुमने काफी टाइम से नहीं खेली है, तुमने डाइंग लाइट 1-2 भी खेल रही है एंड देयर इज नॉट मच ज़ॉम्बी गेम्स आउट देयर नाउडेज, आई थिंक तुम्हें डेड आइलैंड 2 को एक ट्राई देना चाहिए. गेम प्ले अच्छा है, ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं, स्टोरी आई कैन से भी मेरे लिए काफी थोड़ा सा लेट डाउन था, बट या स्टोरी इज स्टिल फनी एंड इट्स अमेजिंग. दिस गेम दे रियली डिड वर्क ऑन दिस गेम. काफी हमें ग्लिचेस देखने को नहीं मिले हैं लाइक काफी गेम्स की हालत जो है आजकल एंड इट रियली शोज भी इस गेम को 9 साल लग गए बनाने में. आई डोंट नो हाउ बट द गेम इज क्वाइट अमेजिंग. सो give it a try if you want to. So guys, aaj ke liye bas itna hi. To ab regular videos aayengi. To thank you for joining us in today and don't forget to like, share and subscribe this channel and this is your host Robin signing out.